वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर चैनल स्टेट टॉक। सामने आप देख रहे हैं ये है विकास विहार का काफ़ी बड़ा पार्क और यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं नए, उसी को चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ फिर से खास मेहमान होने वाले हैं आशीष जी। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सर डेवलपमेंट क्या क्या नए हुए हैं अभी? नए डेवलपमेंट्स में ये है कि एक तो आपके सामने वाटर सप्लाई का हम लोगों ने जो है बोरिंग वगैरह कर दिया है, कर ली है। अच्छा। तो एक तो सबसे बड़ा कंसर्न जो भी हमारे रेजिडेंस थे जो घर बनाने की इच्छा रख रहे थे जी, लेकिन ये था कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी तो हम लोग दे दिए हैं लेकिन वाटर सप्लाई का एक चैलेंज दिख रहा था जी, तो वो भी चैलेंज हमारे यहाँ अब ख़त्म हो गया है। और अभी अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने जो है कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह सब बैठा दिया है। अच्छा। अब उसके बाद चूँकि बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा हम लोगों के भी हाथ बंधे हुए हैं, फिर भी अगर आप देखेंगे तो कुछ न कुछ काम हमारे साइड पे चल रहा है। सही कह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ और पहले से जब भी हम आते हैं एक बेहतरीन लगती है और इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आता है कि हाँ कुछ नए काम हो गए हैं जी। और काफ़ी अच्छी साफ़ सुथरी टाउनशिप वेल डेवलप्ड लग रही है। ये तो होगी करेंट डेवलपमेंट की बात। अब थोड़ा सा जो नए व्यूवर्स हैं जी उनके लिए प्रोजेक्ट का नाम, बिल्डर, ऑनर थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम है ये विकास विहार ऑफिसर्स इनक्लेव के नाम से है जी। हमारे जो डेवलपर हैं वो मिस्टर प्रेमचंद यादव जी हैं, उनका ये पहला प्रोजेक्ट है विकास विहार ऑफिसर्स इनक्लेव के नाम से जो कि हमारा LDA से अप्रूव्ड है, रेरा से रजिस्टर्ड है और सारे नेशनलाइज बैंक इसमें लोन करती हैं। अभी जो हमारा करेंट रेट है वो 3500 पर स्क्वायर फीट का है। 3500 पर स्क्वायर फीट। चूँकि हमारा कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो जैसे उसकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4000 के आसपास का रेट लेके जाएंगे। ओके। तो सर जैसे भी हमने डिस्कशन किया प्राइस के बारे में कि 4000 का रेट आ जाएगा इन फ्यूचर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में, तो फेज वन जहाँ तक देखा हम डिलीवर्ड कर चुके हैं ना सर? जी। और ये काफ़ी बड़ा पार्क दिख रहा है मुझे, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ ये हमारा सबसे बड़ा पार्क है, ये 57000 स्क्वायर फीट का पार्क है और वहाँ तक जा रहा है। हाँ इसमें अगर आप देखेंगे तो हम जॉगर ट्रैक्स और आपके सिटिंग एरिया वगैरह जो है सब कुछ हम बना दिए हैं जी। और अगर थोड़ा सा अगर आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे प्लांट्स वगैरह भी सब बैठ गए हैं। हाँ। और उसके आगे एक और 10000 स्क्वायर फीट का पार्क है। अच्छा उस तरफ। और जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग जो है फिर अपना क्लब हाउस स्विमिंग पूल पे वर्क स्टार्ट करेंगे और साथ में मेन फ्रंट गेट पे अगर आप देखेंगे तो दो कॉमर्शियल लैंड है हमारी, दुकानें वगैरह बना के जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जब कस्टमर यहाँ पे बना के रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको डेली बेसिस की ग्रॉसरी से लेके बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी तो वो जो है कि आपको सोसाइटी के अंदर ही मिल जाएगी। अच्छा कॉमर्शियल प्लॉट अभी भी अवेलेबल हैं या बिक चुके हैं सारे? कॉमर्शियल हमारे यहाँ अभी सब निकल गए हैं। अच्छा अभी हमारा जब अपकमिंग प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें कुछ कॉमर्शियल जो है प्लॉट्स रहेंगे। अच्छा तो इधर मैं देख रहा हूँ लोगों ने मोस्टली कई लोगों ने बाउंड्री करा ली है, कई लोगों ने नहीं कराई है और हर जगह आपने बिजली के भी सारे प्रूफ लगा दिए हैं, काम हो चुका है बिजली का भी और अंडरग्राउंड चीज़ें दिख रही हैं सर मुझे, इलेक्ट्रिसिटी वायर नहीं दिख रही आसमान में, है ना? जी। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई है। अच्छा सीवर है, STP है, इलेक्ट्रिक पैनल जगह जगह हम लोगों ने लगा दिया है। हाँ, इलेक्ट्रिक पैनल लगा और अगर आप हमारे प्रोजेक्ट में देखेंगे तो जो भी चीज़ें हमने दिया है सर, इवन हमने वायरिंग भी पॉलीकैप का लगा के दिया है। अच्छा जो भी पाइप्स हैं सब एस्टेल के लगा के दिया है तो हर छोटी से छोटी चीज़ पे हम लोगों ने ध्यान रखा है। काफ़ी अच्छा सेटिंग भी आपने बना रखा है रेजिडेंट बैठ। हाँ यहाँ पे है कि रेजिडेंट जब टहले अगर थक जाए तो थक के अपना यहाँ पे बैठ जाए, अपना जो है कि शाम को आए यहाँ पे अपना चिट चैट भी कर सकते हैं फैमिली के साथ। हाँ सही कह रहे हैं, समय बिता सकते हैं, अच्छा रहेगा चीज़ें यहाँ पर। और ये STP प्लांट ये बता रहे जो बना हुआ है? हाँ ये सर प्लांट वगैरह सब लग गया है। अच्छा यानी अब धीरे धीरे यहाँ पे चीज़ें बन गई हैं कि लोग आए मकान बनाए रहना बना के अपना रह सर। हाँ हमारे एक रेजिडेंस सर बना भी रहे हैं, 1250 में घर बन रहा है। अच्छा 12 और कई लोगों ने जो है भूमि पूजन भी करा रखा है क्योंकि बारिश है का मौसम है तो लोग सोच रहे हैं कि बारिश के बाद ही काम स्टार्ट करें। बिल्कुल। तो आने वाले 4 से 5 महीने में आपको जो है कि बेयर मिनिमम जो है 25 से 30 घर बनते हुए दिख जाएंगे। बिल्कुल। सामने आपकी उस तरफ दिख रही है वो नहर जा रही है ना सर, जगह कनेक्ट करती है। हाँ, न्यू जेल रोड को, न्यू जेल रोड। और यही आप लेफ्ट हैंड पे जाते हैं तो लगभग 2.5-3 किलोमीटर पे सुल्तानपुर रोड और आपका आउटर रिंग रोड आ जाता है सर, है ना? जी। आउटर रिंग रोड से फ्रेंड आप लेफ्ट हैंड पे जा सकते हैं टूवर्ड्स रायबरेली, नगराम और मैदानता, अंसल। राइट हैंड आप अंसल चले, राइट हैंड पे आप सुल्तानपुर रोड चले जाएंगे, वहाँ से आप फैजाबाद रोड, गोमती नगर, कहीं भी आप कम्यूट कर सकते हैं आउटर रिंग रोड से। तो ये मैं बता दूँ आउटर रिंग रोड कहीं लोग, कुछ लोग किसान पथ भी कहते हैं हम बोलचाल की भाषा में, और उसको आउटर रिंग रोड भी कहते हैं, तो आप इस बात को कन्फ्यूज़ ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने साइट के आसपास लोकेशन में
गवर्नमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट लाइनअप में हैं। अच्छा, जैसे कि लाइक आपका आवास विकास का प्रोजेक्ट लाइनअप में है, एलडीए के प्रोजेक्ट लाइनअप में है। जी, 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 जी। तो आने वाले समय में क्या है कि इस लोकेशन पे बहुत तेजी से हैबिटेशन आना है और काफी ड्रास्टिकली जो है कि लोकेशन का डेवलपमेंट भी होने वाला है और काफी ड्रास्टिकली जो है कि यहाँ पे आसपास प्रॉपर्टी के अप्रिसिएशन भी होंगे और जो विजिबिलिटी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिखती है वो विजिबिलिटी भी बहुत जल्दी क्लियर हो जानी है। सही कह रहे हैं। देखिए, कोई ना कोई जब शुरुआत होती है किसी जगह के बसने की तो धीरे धीरे ही होती है, 2-3-4-5 सालों में स्वरूप उसका बदल जाता है, लोगों को लगता है कल की ही बात है। जी, जी। और हम इस प्राइस पे क्यों चुक गए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता रहा था, एक हमारा एडिशनल 10,000 स्क्वायर फीट का और पार्क है। जी जी, जी। और अगर आप देखेंगे तो हर पार्क में सर हमने जागर ट्रैक्स बना दिया है और जगह जगह सिटिंग एरिया आप देखेंगे तो बना दिया है। इसमें जो भी लाइट्स लगाए हैं सब सोलर से चलते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पे और बाकी जो स्ट्रीट लाइट है वो सब हमारे जो है इलेक्ट्रिक से कनेक्टेड है। ये बहुत प्यारी टाउनशिप लग रही है। अभी रात के, खैर हम तो शाम को है, रात को अभी वीडियो शूट करेंगे इसका, तो रात का व्यू एक बार दिखाएंगे अगले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नाइट व्यू काफी अच्छा लगता है टाउनशिप में। सर, अगर हम बात करें कोई बुकिंग कराना चाहता है, क्या प्रोसेस है फेज वन में? देखिए, फेज वन में चूंकि सब कुछ हम डेवलप कर चुके हैं, सामने आपको दिख भी रहा होगा, तो यहाँ पे जो बुकिंग का प्रोसेस है कि 10% से आप अपना जो है बुक कर सकते हैं यूनिट, और 45 दिन का हम समय देते हैं। उस समय के भीतर जो है आप, अगर आपको लोन से जाना है तो लोन के प्रोसेसिंग आप कर लीजिए, सेल्फ फंडिंग करना है तो अपना फंड्स का अरेंजमेंट करके विद इन 45 डेज में अपना पेमेंट करिए, रजिस्ट्री कराइए, बाउंड्री कराइए, घर बनाना है घर बनाइए। बिल्कुल। और कितने परसेंट लोन हो जाएगा सर इस पर? सर यहाँ पे अगर छोटे प्लॉट्स कुछ चूँकि हमारे पास अवेलेबल हैं, चूँकि वो 30 लाख के बिलो आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें 90% तक भी फंडिंग हो जाती है। अच्छा। बाकी एक नॉर्मल केस में जो है 75-80% तक की फंडिंग हो जाती है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ 350-450 के आसपास के प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, अगल बगल के आप 350 भी ले सकते हैं, 700 हो जाएगा, तो भी अवेलेबिलिटीज़ हैं। और कंपनी ने जो प्लॉट यहाँ पे साइज काटे थे अपने स्टार्टिंग में, वो 1200-1500 ऐसे काटे थे ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई क्वेरी है देने पर आप कॉल करिए, आशीष जी हैं, उनकी टीम रहेगी, पूरी आपकी हेल्प करेगी, विजिट ने, मीटिंग है, बुकिंग। और डेवलप्ड टाउनशिप है, अगल बगल ने भी एक जैसे रास्ते का कंसर्न है वो भी आपको हो जाएगा नर साहब सरकार द्वारा, और चीज़ें धीरे धीरे बसावट की तरफ ही बढ़ रही हैं, डेवलपमेंट चल रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी अच्छा है और आप रहना चाहते हैं उसके हिसाब से भी आपके लिए अच्छी टाउनशिप रहेगी। और इसमें दो चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा, जनरली लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये शहीद पथ से बहुत ज़्यादा दूर पे साइट है। जी जी जी। तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है ये शहीद पथ से हार्डली जो है 7.5-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अच्छा। अंसल जो है 2.5-3 किलोमीटर बाद जो है, क्योंकि आउटर रिंग रोड के बाद आपका अंसल है, तो 3 किलोमीटर बाद आपका अंसल सेक्टर जे स्टार्ट हो जाता है। तो शायद आपको दिख रहा होगा सामने इकाना की लाइट दिख रही है यहाँ से। तो इकाना पलेसियो जो है हमारे साइड से वो लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे है। फ्रेंड, यहाँ पे जो बात हो रही है हमारे द्वारा कि अंसल आ जाएगा, तो एक बाउंड्री की बात हो रही है, उसका मतलब ये नहीं कि हम लुलु मॉल की बात कर रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। समझते हैं कि लुलु मॉल ही अंसल है, तो अंसल की बाउंड्री काफी आगे तक आती है, सेक्टर जे आता है जो कि इसी के पीछे दिखता है, आउटर रिंग रोड के पीछे। लुलु मॉल वगैरह मान लीजिए कि 8-9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 10 मान ले मोटा मोटी। जी, तो ये चीजें हैं, एक बार आके आप देखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, सामने टाउनशिप की मेन रोड है, ये मेन एंट्रेंस है, कोई क्वेरी है देने पर सेल्स को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।